हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी यूडाइस प्लस के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आपको पता है कि यूडाइस का जो सेशन 23-24 का जो डाटा है वो फिल हो रहा है। अभी तक जो हमने डाटा फिल किया था वो हमने आपको बताया था कि आप जो स्टूडेंट डाटा है वो आपने प्रमोट कैसे करना है, या फिर आपने जो स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो आप कैसे कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग भी मैं एक दो वीडियोस और लेके आऊंगा कि आपने जो इंपोर्ट करना है, बेसिकली तो मैंने इसमें सब कुछ बताया हुआ आपको, बट इंपोर्ट के लिए ड्रॉपबॉक्स के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। बट आज हम यूडाइस के ऊपर ही बात करेंगे कि इसमें जो आपके सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं वो सारे के सारे अभी ओपन हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर यूडाइस के ऊपर यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे जाता हूँ, तो अभी तक हमने स्टूडेंट मॉड्यूल में जो किया हुआ काम कि बच्चों को प्रमोट करना है, बच्चों को इंपोर्ट करना है, बच्चों को अपने लेफ्ट करवाना है या फिर बच्चों को अपने फेच करवाना है, ये आप काम कर रहे थे। तो बेसिकली हमारे पास हर साल यूडाइस में अदर मॉड्यूल्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या होता है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का और टीचर मॉड्यूल का, या फिर आपने अपने स्कूल का जो डाटा बेस है उसमें कुछ करेक्शंस करनी है उसके रिगार्डिंग। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, जो पहले हमने वीडियो लेके आए थे वो हम लेके आए थे स्टूडेंट मॉड्यूल की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो अपना टीचर डाटा है उसको आपने कैसे करेक्ट करना है यूडाइस के ऊपर। तो वीडियो के साथ बने रहें बिल्कुल एंड तक, क्योंकि इसमें मैं आपको छोटी छोटी सारी बातें इसमें क्लियर करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट इसमें आपके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं सारे क्लियर कर दूंगा इसमें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे YouTube चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करूंगा किसी एक स्कूल अकाउंट में। यहाँ पर मैं टीचर मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पर टीचर मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर वो हमसे मांगेगा हमारा आईडी पासवर्ड। आईडी पासवर्ड सबको मिल चुका है, जिन स्कूल के पास उनका आईडी पासवर्ड नहीं है वो अपने ब्लॉक के MIS कोऑर्डिनेटर से बात करके अपना आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। अगर वहां से नहीं लेना तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर भी जाकर क्या कर सकते हो, जब आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जाते हो अपना यूडाइस कोड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा ये फिल करो, सबमिट करो, आपको आपके मोबाइल नंबर के ऊपर ही क्या मिल जाएगा, आपका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। बट इन केस आपके स्कूल का कोई इंचार्ज चेंज हो चुका है, उसका डाटा अगर आपने चेंज करना देन फिर आप अपने MIS से बात कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करूंगा टीचर मॉड्यूल में किसी एक स्कूल अकाउंट में, देन वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर किसी एक स्कूल अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पर हमारा जो होम स्क्रीन है वो सामने डिस्प्ले करवा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेलकम टू द नेशनल टीचर डाटाबेस, ठीक है, यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा। एंड देन यहाँ पर देखिए नीचे क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर भी टीचर समरी रिपोर्ट में देखो हमारे पास क्या ऑप्शन आ चुका है, इम्पोर्ट टीचर। अगर आप किसी स्कूल से टीचर को इंपोर्ट करना चाहते हो, वो टीचर वहां से लेफ्ट हो चुका है या फिर वहां से उसकी ट्रांसफर हो चुकी है, तो आप टीचर को क्या करवा सकते हो, इंपोर्ट करवा सकते हो। टीचर ड्रॉपबॉक्स, आपके स्कूल का अगर कोई टीचर स्कूल छोड़ के चला गया है, उसकी ट्रांसफर हो गई है, कोई डेथ रीजन है या कोई भी कारण है, उस केस में जब आप टीचर को लेफ्ट करवाओगे तो वो कहाँ जाएगा, टीचर ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा, जैसे हमने स्टूडेंट में किया हुआ है सारा का सारा। अगर आपके स्कूल में कोई इनएक्टिव या डिलीटेड टीचर है तो उनका रिकॉर्ड यहाँ पर आएगा। डुप्लीकेट टीचर आपके स्कूल में अगर कोई रिफ्लेक्ट करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर चेक करो क्या लिखा हुआ है, डाटा एंट्री इज करंटली एक्टिव, इसकी जो डाटा एंट्री है वो करंटली एक्टिव हो चुकी है। जब आपकी सारी की सारी डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपने यहाँ पर जैसे लास्ट ईयर किया था क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट, आपको ये लास्ट में आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा कि मेरा डाटा कंप्लीट हो चुका है। अब आपने डाटा देखना कैसे अपने टीचर्स का, तो यहां पर आप चेक कीजिए, यहां पर हमारे पास टोटल रेगुलर टीचर्स कितने आएंगे यहां पर काउंट करेगा, और आपके कॉन्ट्रैक्ट टीचर कहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे। ये एक प्राइवेट स्कूल था इसलिए यहां पर रेगुलर टीचर कोई नहीं है, यहां पर सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पर है। टोटल टीचिंग स्टाफ कितने हो गए हमारे, इसको दोनों को ऐड करके 6 ही हो गए। इनकम्प्लीट कितने शो हो रहे हैं, 6, क्योंकि इन्होंने अभी इसको कंप्लीट नहीं किया, इनको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपके स्कूल में कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है तो उसकी एंट्री कहां पर होगी, यहां पर। यहां पर जब आप देखिए टोटल के ऊपर जब 6 के ऊपर क्लिक करते हो ना, यहां पर एक हैंड का निशान बन जाता है, तो जब आप यहां पर क्लिक करोगे ना या यहां पर क्लिक करोगे तो वो डाटा आपका ओपन हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं, अब यहां पर चेक करो, यहां पर हमारे पास क्या है, टीचर एंड इंस्ट्रक्टर डिटेल बाय इंक्लूडिंग हेडमास्टर एंड मिस्ट्रेस। तो यहां पर आपको ये सारी की सारी डिटेल देनी पड़ेगी टीचर्स की। अब यहां पर सबसे कॉमन जो देखने वाली बात ये है, जैसे आपका देखने वाली बात ये है कि जैसे कि आपका स्टूडेंट मॉड्यूल में स्टूडेंट नेशनल कोड था, यहां पर हर एक टीचर को नेशनल टीचर कोड भी अलॉट हो चुका है।
तो ये उसका नेशनल कोड होगा, जब आप टीचर को इंपोर्ट करोगे अपने स्कूल में तो उसका टीचर कोड और उसकी डेट ऑफ बर्थ, उससे ही आप क्या कर सकते हो, उसको इंपोर्ट कर सकते हो। क्लियर हो चुका है? तो यहां पर किसी एक टीचर की हम बात करते हैं, तो यहां पर आप उसकी जर्नल प्रोफाइल, उसकी अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग डिटेल और टीचिंग एंड अदर डिटेल, ये तीन मॉड्यूल्स को आपको फिल करना है। यहां से आप उसको व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। यहां से आपने अगर टीचर को लेफ्ट करवाना अपने स्कूल से तो यहां से करवा सकते हो। बात करते हैं जनरल प्रोफाइल से। जनरल प्रोफाइल के जब आप क्लिक करोगे तो टीचर की जो जनरल प्रोफाइल है वो आपकी ओपन हो जाएगी। अब आप टीचर का नाम नहीं चेंज कर सकते यहां से। इसका क्या प्रोविजन होगा, कैसे करेंगे, वो हम आपको इन फ्यूचर बताएंगे, पर फिलहाल यहां पर आप अपने स्कूल से टीचर का नाम आप चेंज नहीं कर सकते। उसका क्या है, जेंडर आ गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, उसका नेशनल टीचर कोड आ गया यहां पर। अगर उसको कोई स्टेट का कोड मिला हुआ है तो आप वो वहां पर फिल कर सकते हो। उसकी सोशल कैटेगरी क्या है, एंड देन उसने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या अचीव की हुई है, उसकी डिग्री क्या है, एंड देन उसकी हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, अगर कोई आधार नंबर है तो वो आप यहाँ पर फिल करोगे। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर एंड में आप मेंशन करोगे, उसने मेंशन द लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टडीज, कि इस टीचर ने मैथ कहाँ तक फिल स्टडी किया हुआ है, साइंस कहाँ तक की हुई है, इंग्लिश कहाँ तक की हुई है, सोशल स्टडी और लैंग्वेज। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, फॉर एग्जाम्पल टीचर ग्रेजुएट है, किसमें है, बीए में, तो आपने यहाँ पर मैथमेटिक्स कर दिया ग्रेजुएशन तक, तो वो बात नहीं बनेगी। यहाँ पर उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देख के ही आपने ये चीज़ें फिल करनी है कि उसने मैथ कहाँ तक स्टडी किया हुआ है, साइंस कहाँ तक की हुई है, इंग्लिश कहाँ तक की हुई है, सोशल एंड लैंग्वेज। तो ये सारा डाटा आपने फिल करना है। उसके बाद आ गया डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी सर्विस की, तो वो आपने यहां पर फिल करनी है। क्लियर? ये आपने फिल करने के बाद इसको आपने क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपका नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है कि इसकी अपॉइंटमेंट डेट क्या है, उसका उसके टाइप क्या है टीचर की, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है सर्विस में, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, वो प्रेजेंट स्कूल में कब आया, वो आप यहाँ पर फिल करोगे, कौन सी क्लास को टॉट करता है, अपॉइंटमेंट लेवल क्या है उसका, अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वन क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है, तो ये सारे का सारा डाटा फिल कर। वेदर द टीचर इज ऑन डेपुटेशन, अगर वो डेपुटेशन है तो आप येस करोगे, अगर वो डेपुटेशन पे नहीं है तो नो करोगे। वेदर द टीचर इज टीचिंग टू अदर स्कूल एज ए गेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल, तो वो आप अपडेट करोगे। ये अपडेट करने के बाद यहाँ पर मैं ना एक डाटा अपडेट, तो यहाँ पर मैं इसको अपडेट करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा टीचर डेट, जो अपॉइंटमेंट है वो आपका हो चुका है। टीच ट्रेनिंग फॉर द सी डब्ल्यू एस एन, क्या उसकी कोई ट्रेनिंग हुई है सी डब्ल्यू एस एन के रिगार्डिंग, तो आप येस नो में फिल करोगे। उसको कंप्यूटर आता है टीचिंग के लिए, तो ये आप फिल करोगे। ट्रेन रिसीव्ड, क्या उसको ट्रेनिंग कोई रिसीव हुई है, तो ये आप इसमें से कोई भी चूज करके आप फिल करोगे। क्या उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो वो आप यहाँ पर फिल करोगे। वर्किंग डे स्पेंड अपॉन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, वो अपना कुछ नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स में कुछ डेज अपने लगाते हैं, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटीज आ गई या फिर कुछ और ड्यूटीज आ गई, तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। लैंग्वेज इन विच द टीचर हैविंग वर्किंग नॉलेज, तो कौन कौन सी वो लैंग्वेज यहाँ पर वो वर्क कर सकता है, तो वो आपने तीन लैंग्वेज यहाँ पर फिल करनी है। वेदर ट्रेनिंग इन द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑडिट, क्या उसको मिली है चाइल्ड सेफ्टी पे ट्रेनिंग, वो आप यहाँ पर फिल करोगे। साइबर सेफ्टी के ऊपर, फिर आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट फॉर द क्लासरूम फॉर सी डब्ल्यू एस एन, आईसीटी की ट्रेनिंग मिली है, और लास्ट में ये एक नया कॉलम आया कि वेदर इज कैपेबल फॉर हैंडलिंग द डिजिटल डिवाइसेज, जैसे कि स्टूडेंट मॉड्यूल में था, क्या वो मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, इनमें से किसी को भी हैंडल कर सकता है, तो वो आपने येस नो में फिल करके इसको अपडेट कर देना। जैसे आप अपडेट करोगे आपका एक रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक जो रिकॉर्ड है वो ग्रीन कलर का हो चुका है और यहाँ पर क्या आ चुका है, कंप्लीटेड, तो वैसे आपका जो एक रिकॉर्ड है वो आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब मान लो कि आपके स्कूल में कोई टीचर स्कूल छोड़ के चला गया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, लेफ्ट स्कूल, क्या हमारे पास लेफ्ट स्कूल, आपने यहाँ पर लेफ्ट स्कूल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो वहां पर टीचर का नाम, उसका नेशनल कोड, उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द प्रेजेंट स्कूल, उसका मोबाइल नंबर, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर वो रीजन पूछ रहा है कि क्या कारण है, उसकी रिटायरमेंट हो चुकी है, ट्रांसफर शिफ्टेड टू अनदर स्कूल आ गया है, ड्यू टू जॉब लेफ्ट हो गई है ड्यू टू डेथ। तो गवर्नमेंट स्कूल में मोस्टली या तो रिटायरमेंट है, जहाँ शिफ्टेड है, या फिर कई बार समटाइम्स कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो डेथ हो जाती है।
प्राइवेट स्कूल के केस में रिजाइन का ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ड्यू टू जॉब लेफ्ट कर सकते हो कि जॉब उसने लेफ्ट कर दिया, तो ये आप फिल कर सकते हो। जैसे आप ट्रांसफर शिफ्ट करते हो तो आपको रिमार्क्स यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, एंड देन लास्ट डेट इन सर्विस स्कूल, उस स्कूल में उसका लास्ट डेट क्या थी वो आप फिल करके यहाँ पर लेफ्ट के ऊपर क्लिक करोगे, तो ये टीचर आपका आपके स्कूल से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर फिर से स्कूल डैशबोर्ड में जाता हूँ। ये हमारा होम पेज है, होम पेज पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपने एंट्री कहाँ से करनी है, यहाँ से हर एक टीचर की एंट्री करनी है। रेड से ग्रीन कलर हो जाएगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने यहाँ पर कर देना मार्क एज कंप्लीट। क्लियर हो गया। अगर आपका टीचर कोई लेफ्ट कर गया तो उसके सामने आपने उसको लेफ्ट करवा देना है। तो लेफ्ट में जब आप टीचर को लेफ्ट करोगे ना, तो वो आपका टीचर कहाँ चला जाएगा, टीचर ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने कोई भी टीचर को लेफ्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर रहा, फिर वहां पर आपका जो रिकॉर्ड होगा वो डिस्प्ले करवा देगा। क्लियर। अब यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ। अगर आपने कोई टीचर को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इंपोर्ट टीचर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब उस टीचर का चाहिए आपको नेशनल कोड, उसका कोड क्या है और उसकी डेट ऑफ बर्थ। जैसे आप ये फिल करोगे एंड देन फिर आपके सामने रिकॉर्ड आ जाएगा, बट यहाँ पर एक कंडीशन होगी, जैसे स्टूडेंट डाटा में है कि स्कूल से उसका जो रिकॉर्ड है वो डिलीटेड होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, एंड आपका आई थिंक वो मार्क एज कंप्लीटेड होना चाहिए, तो वो देखना पड़ेगा इन फ्यूचर क्या होता है। तो फिलहाल आप यहाँ से उसको इम्पोर्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं किसी और स्कूल से, मैंने यहाँ पर किसी एक स्कूल का नेशनल कोड फिल किया, यहाँ पर मैं इसको सर्च करता हूँ, देखते हैं, तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने पिछले स्कूल से उसका जो डाटा है वो लेफ्ट नहीं हुआ। तो जब आप यहाँ पर फिल करोगे तो यहाँ पर उसका रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग भी हम एक छोटी सी वीडियो लेके आ जाएंगे बाद में। तो फिलहाल आपने ऐसे ही यहाँ पर अपना जो डाटा है उसको आपने करवाना है, इम्पोर्ट से आप इम्पोर्ट करवा सकते हो। ड्रॉप बॉक्स में आपके डाटा जो इनएक्टिव टीचर्स हो रही है आपके लेफ्ट हो जाएंगे, स्कूल वाले टीचर्स उसका डाटा होगा, एंड देन यहाँ से आप उसकी एंट्री कर सकते हो। तो ये थी हमारी एक वीडियो नेशनल टीचर डाटाबेस के ऊपर। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।